दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक मल्टी ब्रांड कपड़े की शोरूम दुकान के अंदर इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड सिस्टम कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास से काउंटर हैं, यानी मल्टीपल ब्रांड हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। यहाँ पे स्टेबलाइजर भी है, इन्वर्टर भी है, दो एसी है और यहाँ पे एमसीबी लगाएंगे। लगभग 6 से 8 किलोवाट का लोड है, तो उसके लिए यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उस हिसाब से यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करके समझाने वाले हैं कि कौन से एमसीबी का कहाँ पे ज़रूरत है और कितना लोड है, किस पे कितना, ए टू जेड कंप्लीट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड या इस एमसीबी बॉक्स के अंदर कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल किस तरह से बनाएं, तो आप इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा कैश काउंटर है, या कह सकते हैं बिलिंग काउंटर है, और यहीं पे इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है। यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करना सूटेबल और सही रहता है, इसलिए दिया गया है। अब यहाँ पे डबल पोल की एमसीबी है, सिंगल पोल की एमसीबी है, एमसीबी चेंज ओवर स्विच है। यहाँ पे लगाते समय हम आपको बताएंगे कितने एम्पेयर का, किस लोड के लिए, किस पर्पज़ से किस एमसीबी को लगाया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे टूल्स भी है, और यहाँ ये जो ग्रीन वाला वोल्ट भी है इसके अंदर, ये जनरेटर का इंडिकेटर है। रेड वाला वोल्टेज बताएगा, मेन पावर सप्लाई इंडिकेटर है। ग्रीन वाला आपका जब चेंज ओवर से आउट करेगा तब है। इन सब का ये वायर है, रेड वाले इंडिकेटर मेन लाइन, येल्लो जनरेटर के लिए ये हमारा, और ग्रीन इंडिकेटर सेंटर यानी बीच वाले के लिए। ये हो गया इंडिकेटर का वायर। उसके बाद यहाँ पे ये 16 mm का वायर है मेन, जो गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई या ग्रिड लाइन का है, या मेन लाइन कह सकते हैं, और सर्किट भी है। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शन, और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। ये 63 एम्पेयर का डीपी यानी डबल पोल की एमसीबी है, जो मेन पावर सप्लाई ग्रिड पे हम लगा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट का जो मेन लाइन है उस पे। सबसे पहले यहाँ पे अच्छी तरह से हमने टेप लगा दिया, ताकि कोई चीज़ बाहर निकल के टच नहीं करे, जिससे शॉर्ट नहीं हो, एक वायर निकल जाता है ना, इसलिए। अब यहाँ पे न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर रहे हैं, इनपुट लाइन, और उसके बाद यहाँ पे येलो हमारा फेज है, इसको हम कनेक्शन कर रहे हैं एमसीबी के इनपुट। अब बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे कि इनपुट ऊपर से कर रहे हैं, नीचे से क्यों नहीं। देखिए, एमसीबी ऊपर से या नीचे से कहीं से भी कनेक्शन करेंगे, शॉर्ट सर्किट होगा, ट्रिप करेगा। किस कंडीशन में, इसका मैंने एमसीबी सर्किट ब्रेकर का कोर्स भी बनाया है। अगर आप उस कोर्स को नहीं देखे हैं, नहीं ज्वाइन किए हैं, तो कर भी सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, और कूपन कोड को अप्लाई करके और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो अलग से हमने ब्लू कलर का वायर लिया है, इसको न्यूट्रल में यूज कर रहे हैं और एक लग रहे हैं, और एक वायर और है जो स्टेबलाइजर के अंदर जा रहा है। यानी टोटल 3 वायर को आपस में यहाँ पे लग यानी थिम्बल लगा के क्लैंपिंग टूल से क्लैंप कर दिए। ओके, अब यहाँ पे इस पर टेप लगा देंगे ब्लैक। ब्लैक अगर वायर रहता तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन नहीं था, ब्लू था, तो उसको न्यूट्रल में हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह से 3 वायर यहाँ पे हो जाएगा, एक स्टेबलाइजर में जाएगा और 2 वायर अलग से लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके अंदर भी थिम्बल लगा रहे हैं, और उसके बाद क्लैंपिंग टूल ले रहे हैं और क्लैंप कर दे रहे हैं, ताकि वायर 3 है तो हमारा लूज का कोई संभावना नहीं हो, हीट हो करके वहाँ से स्पार्क करके नहीं चले। अब यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन ध्यान रहे राइट साइड फेज कर रहे हैं और लेफ्ट साइड न्यूट्रल। आप चाहें तो इसको उल्टा करके रिवर्स भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आपको जो सहूलियत है उस हिसाब से कनेक्शन कीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन इस एमसीबी से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वायर को इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं डीपी एमसीबी, जो 25 एम्पेयर का है डबल पोल का, और इसमें मेजरमेंट करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस वायर का पीवीसी जो है उसको रिमूव करेंगे, या कह सकते हैं वायर को छील लेंगे। छीलने के बाद इस वायर को मोड़ करके इस एमसीबी के अंदर कनेक्शन हम करेंगे। अब यहाँ पर राइट साइड हमेशा हर जगह पर हम करेंगे फेज, और लेफ्ट साइड न्यूट्रल सूटेबल। ये एक साइड सीरियल वाई हो गया। ओके, इस तरह से ये कनेक्शन हो गया। इस एमसीबी का हम इस्तेमाल करेंगे एसी का सर्किट, जो यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा है उसके लिए। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे जो डीपी एमसीबी लिए हैं
वो भी हमारा 25 एम्पेयर का है और दूसरे एसी के लिए यानी दो एसी है। और जो हमारा एसी है वो जनरेटर के लाइन पे नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई लाइन पे चलने वाला है। तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला है कि हम इनपुट लाइन कनेक्शन कर रहे हैं इस एमसीबी के अंदर, एक न्यूट्रल एक फेज, ये कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो है एसी का वायर है, जो एसी के अंदर हम लाइन देंगे वो सर्किट का वायर है। इस वायर को हम यहाँ पे अच्छी तरह से छील करके इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन हम आउटपुट कर रहे हैं। एक एसी का ये कनेक्शन हमारा हो गया, इस डीपीएमसीबी से हमारा कंट्रोल होगा एसी का सर्किट एक। दूसरा भी सेम इसी तरह से हमको यहाँ पे कनेक्शन करना है। ये फेज हो गया और इसके बाद न्यूट्रल भी डालेंगे और कनेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा एसी का जो सर्किट दो था वो कंप्लीट हो गया। अब स्टेबलाइजर के अंदर हम कनेक्शन कर रहे हैं, तीसरा वायर हमारा आया था ना, जिसको क्लैंपिंग टूल से हमने क्लैंप किया है, ये इनपुट हम कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। एक ये हो गया जो अभी आ रहा है हमारा डीपीएमसीबी से आउटपुट हुआ है मेन से, ये इनपुट यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अब इसके बाद दो वायर और है जो आउटपुट जाएगा चेंज ओवर स्विच के अंदर, उस वायर का कनेक्शन कर रहे हैं, ये फेज है। और इसके बाद में हम कर लेंगे यहाँ पे न्यूट्रल, थोड़ा फुल टाइट करेंगे, किसी तरह से लूज कहीं पे भी कोई कनेक्शन इलेक्ट्रिकल में नहीं किया जाता है, फुल टाइट कनेक्शन करना चाहिए। यहाँ पे ये न्यूट्रल भी डाल दिया इसके अंदर और इसको भी यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं फुल टाइट। ओके, जब हमारे स्टेबलाइजर का यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन को मोड़ देते हैं, इस तरह से हमको रखना है तो इस तरह से हम घुमा लेते हैं। ओके, अब यहाँ से जो आउटपुट हमारा वायर जा रहा है, ये तो इन्वर्टर का वायर है, इसे हम हटाते हैं साइड में, ये आउटपुट आ रहा है वो हमारा ये दो वायर है, इसका हमें कनेक्शन करना है चेंज ओवर स्विच के अंदर। ये हमारा चेंज ओवर स्विच है जो 63 एम्पीयर का है और हेवी है, और जितना भी यहाँ पे एमसीबी है वो सब हमारा एलएनटी कंपनी का है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, चलिए कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टेबलाइजर से आउटपुट आ रहा है तो नीचे ये न्यूट्रल और एक फेज को डाल दिए, स्क्रू ड्राइवर लेंगे और यहाँ पे स्क्रू को फुल टाइट करेंगे, किसी तरह से लूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर हमारा जो मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट का या मेन लाइन का, उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दो वायर अलग से लिए हैं एक्स्ट्रा और इसका जो कनेक्शन हम कर रहे हैं न्यूट्रल फेज, ये कर रहे हैं जनरेटर इनपुट इस एमसीबी चेंज ओवर स्विच में। अब ये जनरेटर इनपुट जो वायर है ये कहाँ कहाँ कनेक्शन होगा उस पर ध्यान देना है आपको। अब स्क्रू को थोड़ा सा ऊपर वाला खोल लिए क्योंकि आउटपुट हमें करना ही है, और इसे हम लगाते हैं और यहाँ पर लॉक कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेंगे एक डीपीएमसीबी, ये 32 एम्पीयर का है, ये हमारा कंट्रोल होगा जो जनरेटर का सर्किट आ रहा है मेन ना उसके साथ। लेकिन यहाँ पे जो जनरेटर का इंडिकेटर का वायर है येलो कलर, उसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, जो अभी चेंज ओवर से वायर जा रहा है उसके साथ येलो कलर का जो इंडिकेटर वायर है उस वायर को ले रहे हैं, और इस तरह से इसके अंदर फेस के साथ एक इंडिकेटर का वायर को कनेक्ट करके इस एमसीबी के अंदर कनेक्शन इस तरह से कर दिए। इसी तरह से फिर हमें क्या करना है, दूसरा जो इंडिकेटर का एक वायर है वो लेकर के न्यूट्रल जो ब्लू है उसके साथ जोड़ करके कनेक्शन कर दिया। तो इंडिकेटर का जो जनरेटर का वायर है वो भी कंप्लीट हो गया, यानी जनरेटर का इंडिकेटर का कनेक्शन कंप्लीट है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर है, अब ये जो ग्रीन है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे चेंज ओवर से आउटपुट कर रहे हैं न्यूट्रल वायर, ओके, और इसको न्यूट्रल जो लिंक है या न्यूट्रल बस वायर है या न्यूट्रल कनेक्टर है ऊपर, उसके अंदर इसको डालेंगे और इसके अंदर कनेक्शन कर लेंगे। तो इस चेंज ओवर स्विच से हमारा न्यूट्रल आउटपुट भी कनेक्शन हो गया। अब ये जो हमारा चेंज ओवर से आउट होगा तब ग्रीन इंडिकेटर जलेगा, तो इसको न्यूट्रल दे देंगे, न्यूट्रल जो आपका कनेक्टर है या न्यूट्रल बस वायर है उसके अंदर डालेंगे, और यहाँ पे इसको कनेक्टर ही कहेंगे या न्यूट्रल लिंक कहेंगे, उसके अंदर इस तरह से डाल के कनेक्शन कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम लेने वाले हैं एक अलग से वायर येलो कलर का, और यहाँ चेंज ओवर के साथ आउटपुट कनेक्शन करेंगे, लेकिन उसी के साथ हम इंडिकेटर का जो ग्रीन वाला है उसका वायर भी जोड़ लिए, और ये चेंज ओवर से हमारा आउटपुट भी यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस वायर को यहाँ लेकर आएँ और सिंगल पोल का 3 एमसीबी लगाना है, तो छोटा सा वायर का हम यहाँ पे टुकड़ा लिए हैं और इसको लूपिंग बनाए हैं। इस तरह से लूपिंग बनाने के बाद इस तरह से वायर को जोड़ेंगे ट्विस्टेड। जोड़ने के बाद अब यहाँ पे 3 एमसीबी हम लेंगे, अब यहाँ पे एमसीबी के अंदर कनेक्शन करेंगे। 2 एमसीबी 16 एम्पीयर का है, 1 एमसीबी 10 एम्पीयर का है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ इसका लोड बताइए, तो देखिए जो 10 एम्पीयर का एमसीबी है उससे हम कनेक्शन करने वाले हैं यहाँ पे जो दो स्विच बोर्ड है उसके अंदर,
और 16 एम्पीयर के एमसीबी से इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे चार्ज करने के लिए, और उसी से जो उसका लोड होगा चलेगा। और एक जो आपका है 16 एम्पीयर का एमसीबी, उससे यहाँ पे एक छोटा सा पावर बोर्ड है उसके लिए। तो ये तीन सर्किट के लिए 3 एमसीबी सिंगल पोल का है कनेक्शन, यहाँ पे फेज लाइन इनपुट हो गया तीनों एमसीबी के अंदर, और इस तरह से एमसीबी लॉक हो गया या कह सकते हैं रेल पत्ती के चैनल के अंदर हमने लगा दिया। अब यहाँ पे जो रेड वाला इंडिकेटर है उसका कनेक्शन हमने नहीं किया है, चलिए कंप्लीट करते हैं। जो हमारा यहाँ DPMCB मेन से निकला है ना, तीन लूप किए हैं, किसी एक MCB के अंदर डाल करके कनेक्शन आपको कर देना है एक एक वायर को न्यूट्रल फेज। तो जैसे कि हम यहाँ से दे देते हैं, इसके अंदर डाल दिए और इसका कनेक्शन कर दिए। इसी तरह से दूसरा एक और है, उसके अंदर से भी फेज वायर को निकाल करके और इस तरह से हम यहाँ पे जोड़ेंगे अच्छी तरह से और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो मेन इंडिकेटर है रेड वाला गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का, उसका भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कनेक्शन हमारा क्या क्या बचा है वो समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जनरेटर का मेन हमारा लाइन इसके अंदर इनपुट हो रहा है, ये है सर्किट का वायर, इसको हम यहाँ पे 32 एम्पीयर का DPMCB के अंदर फेज कनेक्शन कर रहे हैं, अच्छी तरह से कनेक्शन करेंगे और इसी तरह से इसका न्यूट्रल भी यहाँ पे कनेक्शन हम कर देंगे, जिससे इस बोर्ड के अंदर जो जनरेटर का वायर था कनेक्शन करने का या वायरिंग, वो कंप्लीट हमारा हो गया। अब सिर्फ हमारा बचा है सर्किट, जो हमारा पावर बोर्ड है, इन्वर्टर का जो बोर्ड है और जो हमारा स्विच बोर्ड है उसके लिए। तो अब उसकी कनेक्शन कैसे करेंगे, ये सर्किट का वायर है हमारा, अब सब पे टेप लगा है, मार्किंग है कि कौन सा वायर किसके लिए है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ही कनेक्शन करना है। जैसे कि स्विच बोर्ड का सबसे पहले हम कनेक्शन कर रहे हैं 10 एम्पीयर में, इस तरह से डाल करके कनेक्शन कर दिए, फेज हो गया, MCB के थ्रू मिल जाएगा, न्यूट्रल को डायरेक्ट लेके चलेंगे, न्यूट्रल जो कनेक्टर है या न्यूट्रल लिंक है उसके अंदर लेकर के आएंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अच्छी तरह से और फुल टाइट कर देंगे। इस तरह से ये कनेक्शन हो गया। इसी तरह से चलिए अब दूसरा हमें कनेक्शन करना है, लूज किसी तरह से नहीं होना चाहिए कोई भी कनेक्शन। दूसरा सर्किट लेते हैं और इस सर्किट को क्या करते हैं, इस तरह से लेकर के जाते हैं, फेज तो हमें MCB के थ्रू देना है, मेजरमेंट करेंगे कि MCB के अंदर कितना लंबा वायर रहेगा, तो हम रिमूव करेंगे PVC यानी छीलेंगे वायर को और कनेक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, उतना लंबा कटिंग किए हैं और यहाँ पे PVC रिमूव करके इसके अंदर डाल करके और कनेक्शन इस तरह से इसके अंदर कर लेंगे और फिर उसके बाद इसका न्यूट्रल वायर न्यूट्रल लिंक के अंदर डालेंगे और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे। अब बचा हमारा एक सर्किट, इसका भी सेम वही फार्मूला है, कोई चेंजिंग नहीं है, इसके अंदर टेप है, टेप को हमने खोल दिया और फिर मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे हमने डाल दिया तीसरा, और उसके बाद इसको भी हम छीलेंगे और इस तरह से न्यूट्रल हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस भी सर्किट का काम जो है कंप्लीट हमारा हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा मेन लाइन था, जनरेटर का लाइन था और जो सर्किट था, वो सब हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। अब जो सेफ्टी का जो ग्रीन कलर का बड़ी अर्थ का वायर है, प्रोटेक्शन जो हमें बचाव के लिए होता है, इसका कनेक्शन हम करेंगे। तो ये 0.75 स्क्वायर mm का वायर है, तो दो दो वायर को आपस में जोड़ करके इस कनेक्टर के अंदर डालेंगे जो बॉडी के साथ अटैच रहता है, या अर्थ का जो कनेक्टर है या अर्थ का लिंक है उसके अंदर डाल करके कनेक्शन इस तरह से कर लेंगे। और इस तरह से इस MCB बॉक्स के अंदर या इस इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड कंट्रोल सिस्टम का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका डोर लगाना है, ठीक है, तो चलिए हम इसके डोर को लगाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो दो MCB का जगह खाली है, क्योंकि हमारा दो यहाँ पे खाली रह जा रहा था और इस साइज का MCB बॉक्स आता नहीं है, अब इसलिए इसके ऊपर इसका जो डम्मी ब्लैंकर आता है वो लगा देंगे। बाकी यहाँ पे अर्थ के साथ इसके बॉडी के साथ अटैच जो है स्क्रू को लगा करके कनेक्शन कर देंगे। और देखिए ये डम्मी यहाँ पे हम लगा दिए, ये फुल हो गया, इस तरह से ये MCB बॉक्स का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद हमने लाइन दे दिया है और यहाँ पे लीक भी दिया है, ये मेन लाइन का है, AC2 का है, AC1 का है, ये चेंज ओवर का है, ये बोर्ड का है, और यहाँ पे इन्वर्टर पावर बोर्ड हमने सब लिख दिया है कि कौन सा MCB किस पर्पज़ के लिए है और किस लिए लगाया गया है, A to Z हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हम चलिए MCB को ऑन करते हैं, क्योंकि पावर हमारा आ चुका है इसके अंदर, तो हमारा जो रेड कलर का इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसे। चलिए यहाँ पे करते हैं ऑन, और यहाँ पे देखिए 242 वोल्टेज प्रॉपर है और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये AC का है, इसे ऑन करते हैं, तो AC में डायरेक्ट चला जाएगा, ये चेंज ओवर को ऑन, ये देखिए ग्रीन भी जल गया, यानी चेंज ओवर आउटपुट हो गया। और यहाँ पे हम चलिए देखते हैं स्टेबलाइजर,
स्टेबलाइजर भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, वोल्टेज दे रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा तीन सर्किट है, इसे भी ऑन करते हैं, लाइट भी हमारा सब जल रहा है। जनरेटर को नहीं ऑन करेंगे क्योंकि अभी जनरेटर का लाइन कनेक्ट नहीं हुआ है, वो तो जब लाइट नहीं रहता है तब यूज होता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमारा प्रॉपर ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर ऑल स्विच ऑन है, ये पावर बोर्ड भी हमारा ऑन है, और कहीं पे किसी तरह के इन्वर्टर भी हमारा चार्ज हो रहा है, बूस्ट चार्जिंग पे है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इस MCB बॉक्स का कनेक्शन, और इसके अंदर जो भी हमारा लोड है वो प्रॉपर तरह से हमारा रन कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सब स्विच ऑन है, तो सब हमारा जो भी लाइट है, बल्ब है, वो सब ऑन हमारा है। तो चलिए सबको हम देखते हैं एक साइड से। जैसे ये स्टेबलाइजर 2 AC का है, ये भी हमारा यहाँ पे ऑन है, और उसके बाद ये ऊपर सेलिंग में ट्रे लगा है, ट्रे वाला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और जो भी ट्रैक लाइट है वो सब हमारा जल रहा है, जो भी हमारा ब्रांडिंग का लेटर है वो सब भी जल रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ऑन है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, प्रोफाइल लाइट भी लगाए हैं, जैसे इसके बाद ये जो काउंटर है ये तो अपने लिए बनाया है कि ऑल ओवर ऑल ब्रांड को हम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायल रूम है, ट्रायल रूम में एक फ़ैन है और एक लाइट है, चलिए उसे हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसे खोलेंगे डोर, और इसके अंदर एक छोटा सा बोर्ड भी हमने दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑन करते हैं। तो ये देखिए फ़ैन हमारा चल रहा है, बल्ब को ऑन कर दिए, बल्ब भी हमारा जल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और जो भी लाइट है वो सब चल रहा है, ये देखिए प्रोफाइल लाइट इधर लगाए हैं, बाहर से शटर डाउन है क्योंकि रात का समय है। और यहाँ पे ये देखिए लड़के जो हैं बहुत ही खुश हैं क्योंकि ये यहाँ पे काम करते हैं, और ये भी देख रहे हैं कि लाइट चालू किया गया, किसी तरह का कोई फॉल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐसे जनरली जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं आता है, क्योंकि कनेक्शन पूरा अपने ध्यान से करना होता है, प्रॉपर तरह से पूरा, किसी भी तरह का मिस तो मैं नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें तो नहीं मिलती है। बहुत से लोग मिस करते हैं, ध्यान देकर के काम नहीं करते हैं, तो वहाँ तो प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोफाइल लाइट लगा है वो सब भी जल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर आप MCB बॉक्स के अंदर ही आप चाहते हैं मेन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बोर्ड को बनाएं तो बना सकते हैं, और इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। लोड आपका 6 से 8 किलोवाट और 10 किलोवाट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलता है MCB बॉक्स के अंदर। अगर हेवी लोड है तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आपको लेकर के चलना होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।